हमें एक शेर सुनाएगा? वो शेर होता है पगली। सही बोले हैं। इरशाद का होता है भाई, जब शेर कहा जाता है तो इरशाद बोला जाता है। है कहा जाता है? वो अदब होता है। अदब का होता है? अब शेर लिखती हो, अदब का मतलब नहीं पता? अब ना ही पता ना। शेर सुनाओ यार। ठीक बा, कर्ज किया है? अर्ज किया होता है मिर्जा गालिबिन। सही पढ़े हैं। पतेली के ऊपर पतेली, पतेली के ऊपर पतेली, पतेली पे बैठा शेर। हमें अगर इमली तो लड्डू के भैया बेर। कैसा लगा हमरा शेर? ये शेर है, ये सियार भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे हम कहते हैं पतीली के ऊपर पतीली, पतीली के ऊपर शेर। अरे हम पूछते हैं कि शेर पतीली पर काहे बैठेगा? अरे शेर जंगल का राजा है, उसे सिंहासन पर बैठाओ, कुर्सी पर बैठाओ, उसे पतीली पर बैठाने का क्या मतलब है? हमको तो लगा कि आपको पसंद आएगा। अखाक पसंद आएगा? और हमारी तुलना तुमने किससे कर दी? बेर से। हम बेर हैं? अरे हमें शेर कह देती, बाद में चाहे शेर को बेर कह देती तो चलता। हमने अपने आप को भी तो इमली कहा ना। तुम अपने आप को इमली बोलो या अमिया बोलो, हमको बेर काहे कहा? आपको अगर हमारा शेर पसंद नहीं आया तो बोल दीजिए ना, हमारे शेर की धजियां काहे उड़ा रहे हैं? अरे ये कोई शेर है? है? और कितनी बार कहा ऐसे ऐसे वाहियात चीजें हमको मत सुनाया करो। और तुम्हें अगर शेर लिखना ही है तो आईने के सामने बैठ जाओ और खुद को सुनाओ, हमें मत सुनाओ। बस दिमाग खराब करके रख दिया हमारा।